जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तासीर हंटिंग स्टोर से ऑर्डर किया था तो ये मुझे पार्सल मिल गया है। ये देखें, 1 पीस 0.55 mm ब्लैक तासीर हंटिंग बैंड और प्लस में गोल्डन लेज़र स्लिंग शॉट प्लस 10 पाउचेस फॉर 6 mm। पार्सल को अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। लाया एक ही मतलब काटने से निकल आए जी हमारे रबर बैंड। ठीक है दोस्तों, और प्लस में ये स्लिंग शॉट गोल्डन लेजर स्लिंग शॉट इसका नाम है। ये जी ये इसकी कंस्ट्रक्शन बने हुए दोस्तों, स्पेशली फॉर 90 डिग्री शूटर्स के लिए ये बहुत अच्छी स्लिंग शॉट है। ओके जी दोस्तों, और इसकी मैं आपको एक्सेसरीज दिखा देता हूँ। ये इसकी एक्सेसरीज हैं, ये जी इसकी लेज़र लाइट है, और ये मेटल की बनी हुई है। ये लेजर लाइट है जी इसकी, देख सकते हो। ये जिसकी लेजर लाइट हो गई, उसके अलावा जी ये इसकी लेजर लाइट का होल्डर है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे यूँ लग जाती है। इस नट को आप हाथ से टाइट कर देंगे तो ये फिट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये इसमें एक एलन की है, और एलन की के अलावा इसके अंदर वाटर लेवल भी है, और ये स्क्रू है इसके, और ये कुछ फाइबर ऑप्टिक्स हैं। ओके दोस्तों, ये इसके स्क्रू है, ये इसका वाटर लेवल है। इसको लगाने का आसान तरीका है, अगर आप राइटिंग हैं तो आपके ये जो थंब है ना, थंब इस थंब वाली साइड पर आपकी ये लेज़र लाइट फिट होगी। ठीक है, ये इजी है, ये इसमें ये कट बना हुआ, ये आप इसमें इजीली इसके अंदर ये लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फिट हो गया। अब इसकी ये जो साइट है ये यहाँ पे यूँ लग जाएगी। ये आपके जो आप अगर राइटिंग हैं तो राइटिंग के हिसाब से ये यूँ फिट होगी। ठीक है, जो थंब वाली साइट है, इस थंब वाली साइट पे आपकी लेज़र फिट होगी। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा ये फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं इसके साथ, ये भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है दोस्तों, इसको अंदर आप डालकर इसको लाइटर से थोड़ा हीट दे देंगे तो ये पिघल के फिक्स हो जाएगी, इसके साथ चिमट जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी सनिंग शॉट। ठीक है दोस्तों, इसकी एक्सेसरीज भी आपको फिट करके दिखा दी, और इसको रखते हैं जिससे हम अपने दूसरे सामान निकालते हैं। ये जी आ गए हमारे TH ब्लैक बैंड्स।
सकते हैं, इससे आप काफ़ी सारे रबर बैंड बना सकते हैं और ये 100% वेरीफाइड है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जी हमारे कुछ पाउच ऑर्डर किए थे तासीर भाई से। ये जो पाउच है ये स्पेशलाइज फॉर 6 mm एमओ है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये जी पाउच है, ये एमओ जी इसके ऊपर यूँ रखा जाती है। ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर एमओ जो है ना फिक्स हो जाती है, और फिक्स हो जाने के बाद ये आप देख सकते हैं इस पाउच से आपकी एमओ लेफ्ट राइट कभी भी नहीं जाएगी। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये पाउच हो गए, ये रबर बैंड जी। तो ये था हमारा पहला रिव्यू वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन।